क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। नए साल की रात घर के बाहर खड़े थे युवक, पुलिस अधिकारी ने शरीर पर चढ़ा दी मोटरसाइकिल, बाद में की मारपीट, पुलिस के साथ बदतमीजी का युवकों पर लगा आरोप। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 दिसंबर की रात यानी नए साल की जो रात है उसमें रात 1 बजे उल्लासनगर कैंप 3 के शांति नगर परिसर में एक घटना घटी है। दरअसल कुछ युवक अपने घर के बाहर खड़े थे, एक युवक मतलब खास करके जो खड़ा था, अपने दोस्त उसके कुछ मिलने आए थे, न्यू ईयर की एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे, ऐसे में ही पुलिस वहां से गुजरी, पुलिस ने उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। पुलिस दोबारा जब लौट के आई तो युवक वहीं पर खड़े थे, इससे गुस्साए हुए। इतना ही नहीं, पुलिस का आरोप है कि इनमें से किसी ने पुलिस पर फप्तियां भी कसी, जिसके चलते गुस्साए हुए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष पांझरे ने सीधे इनके शरीर पर अपनी गाड़ी दौड़ा दी, मोटरसाइकिल दौड़ा दी, और उसके बाद जो भी युवक हाथ में आया उसकी उन्होंने पिटाई कर दी। जिस युवक के घर के बाहर ये खड़े थे उस युवक की खास करके पिटाई की गई, API सुभाष पांझरे ने उससे मारपीट की। यह घटना पूरी CCTV में कैद हुई है। वहीं पुलिस स्टेशन ले जाकर इस युवक पर जमावबंदी कानून के तहत जो मनाई आदेश लागू है, प्रतिबंध लगाया गया, उसके तहत उसके खिलाफ अपराध भी दर्ज किया। वहीं बाद में इस युवक ने आरोप लगाया है कि इस पुलिस अधिकारी ने उसके और उसके दोस्तों के शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में दबंगई दिखाते हुए मारपीट भी की है। वहीं पुलिस उपायुक्त मोहिते ने युवक के सवालों पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस पर फप्तियां कसना कहां तक ठीक है, पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद घर नहीं जाना कहां तक ठीक है, ऐसे भी सवाल खड़े किए। मगर जिस तरीके से API सुभाष पांझरे ने इस मामले में मारपीट की है वो कहां तक समर्थनीय है, इस बात का खुलासा उपायुक्त भी नहीं कर पाए हैं और ना ही अब तक इस पर कोई अधिकृत पुलिस की प्रतिक्रिया आई है। काल रात आम्ही तो विश करत होतो सगळ्यांना हॅपी न्यू ईयर चा, तर ते साहेबवाले पाठी मागून गाडी घेऊन फुल स्पीड मध्ये होते, ड्रिंक पण केले होते वाटतं त्यांनी डायरेक्ट गाडी अंगावर चढवली, आमच्या माझ्या पायाला लागलं होतं, तर त्यांनी ना आम्हाला पाडलं आणि माझ्या भावाला पकडून डायरेक्ट मारणं चालू केलं, मारलं पण नाही। आम्ही विचारलं का मारतं साहेब, आम्ही काय गुन्हा पण नाही केले, तर का मारतात, काय बोलले नाही, शिवाय गाडी चालू केलं आहे।